हेलो गाइस, क्या हाल है भाई सबके? बढ़िया, एकदम पक्का, ऑल राइट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आज हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं रोटेशन मोशन का, विच इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। मुद्दे की बात यही है, रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बातचीत पता होनी चाहिए। चलो स्टार्ट कर लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मेरा नाम है गगनदीप सिंह, मैं आपका मास्टर, ये हम सबका बहुत ही प्यारा चैनल जिसका नाम है न्यूटन पाजी। लेट्स टॉक अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बातचीत करते हैं। मान लो कि मैं तुम्हें कोई चीजें उठाने के लिए बोलूं, मैंने कहा कि भाई ये किताब उठा लो, फिर मैं बोलूं भाई ये टेबल उठा लो, तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को उठाने में दिक्कत आ सकती है। मैं बोलूंगी कि किताब उठा लो, बड़े आराम से उठा ली, मैं बोलूं टेबल उठा लो, ओह उठ ही नहीं रहा सर, ये बहुत भारी है, हां कि ना। तो ये जो दिक्कत है या डिफिकल्टी है चीजों को उठाने में, दैट इज ड्यू टू दियर मास, है ना। उनका कुछ मास है भाई, उसके कारण उनके ऊपर वेट लग रहा है, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका वेट ज्यादा होगा, उसको उठाने में उतनी तकलीफ होगी। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो रोटेशन में हम लोग चीजों को घुमाते हैं, चीजें घूम रही है, वो घुमाने में दिक्कत कितनी आ सकती है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया से डिफाइन होगा। जैसे कि चीज को उठाने में दिक्कत कितनी आ सकती है ये उसके मास से डिफाइन हो रहा है, तो किसी चीज को घुमाने में कितना जोर लग सकता है ये उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया से डिफाइन होगा। तुम बोल रहे हो कि सर पल्ले नहीं पड़ रहा है, थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं मैथमेटिकली, समझ में आएगी बात ना, मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। तुमने वो बंदा देखा है जो तुम्हारे घर पे सिलेंडर देने आता है, देखा ना, मतलब सिलेंडर वाला बंदा ऐसे ना कि देखा वो, ये देखो कि वो किस तरीके से सिलेंडर को लेके आता है तुम्हारे घर पे, कैसे लेके आता है, ध्यान देना। मान लो कि ये तुम्हारा सिलेंडर है ना, तुम्हारा सिलेंडर है, हाँ तुम भर लो इसमें गैस, इसकी गैस यूज करो, तुम्हारा सिलेंडर है, तुमने पैसे दिए, हाँ शेप थोड़ी ठीक ठाक बनी है बट सिलेंडर है ये अपना। वो इसको पहले तो लेटा लेता है जमीन पे, ऐसे लेटा लेते हैं ना, तो ये इसका मैंने साइड व्यू बना दिया, कुछ ऐसा साइड व्यू, ये लेटा हुआ सिलेंडर है, और फिर इसको रोल करवाता है, बड़े मजे से ये सिलेंडर आगे भी जाता है और घूमता भी रहता है, घूम 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 के आगे जाता है। ऐसा क्यों करता है भाई वो इसी को ऐसे घुमा घुमा के क्यों नहीं लेके आता, इसी को घुमाए ना, ऐसे ऐसे रखे आ, फिर इसको घुमाए आ, घुमा घुमा के ऐसे क्यों नहीं लेके आता, वो इसको ऐसे घुमा के क्यों लेके आता है, ऐसे क्यों लेके आता है, वो ऐसे क्यों नहीं लेके आता, क्योंकि भाई साहब ये करने में जोर बहुत लग जाएगा, दिक्कत आएगी ना बहुत बड़ी, ये करने में बहुत आसानी है, ऐसे घुमाने में बहुत आसानी है, जबकि ऐसे घुमाने में बड़ी दिक्कत है, ये घुमाने में बड़ी आसानी है, इसलिए वो ऐसे रोल करके लेके आता है। लेकिन क्या सिलेंडर वाले बंदे ने इतनी फिजिक्स पढ़ी होगी कि उसको ये ज्ञान प्राप्त हो कि भाई ऐसे लेके आएंगे तो मजा आएगा, क्यों, क्योंकि यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, ऐसे लेके आएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा तो मुझे ज्यादा दिक्कत आएगी, क्या उसको ये पता है, नहीं पता, लेकिन उसके दिमाग को पता है, प्रैक्टिकली उसको पता है कि ऐसे घुमाने में आसानी होती है ना, बट उसको मैथमेटिकली नहीं पता कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया नामक चीज होती है ना, वहां से ये डिराइव होगा कि ऐसे ले जाने में आसानी हो रही है, प्रैक्टिकली नहीं पता, बट उसके दिमाग को, मतलब सॉरी मैथमेटिकली नहीं पता, दिमाग को प्रैक्टिकली पता है। तो आज हम मैथमेटिकली सीखेंगे उस बात को, ठीक है। तो मैंने डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट उठाई, उनका मास डिफरेंट था, उनका मास डिफरेंट था इसलिए दिक्कत डिफरेंट डिफरेंट आई, किसी को उठाने में ज्यादा दिक्कत, किसी को उठाने में कम दिक्कत। लेकिन यहां पे बॉडी तो एक ही है, वही सिलेंडर, एक बार मैं उसको ऐसे लेके जा रहा हूं, एक बार मैं ऐसे लेके जा रहा हूं, सिलेंडर वही है, ऑब्जेक्ट वही है, मास वही है, लेकिन फिर भी दिक्कतें अलग अलग हैं। वो इसलिए अलग अलग है क्योंकि यहां पे तुमने एक्सिस चेंज कर दी घुमाने की, कैसे, ये वाली बॉडी को तुम इस एक्सिस के अराउंड घुमाओगे, ये वाली बॉडी को तुम इस एक्सिस के अराउंड घुमाओगे, ये एक्सिस दिख रही है तुम्हें, अगर इस व्यू में ये एक्सिस देखोगे तो तुम्हें वर्टिकल नजर आएगी, और हां कि ना यार, दोनों एक्सिस डिफरेंट है, एक एक्सिस तो ऐसे पार करे, ठीक है, और एक ऐसे पार करे, दोनों डिफरेंट होगी ना, ये एक्सिस डिफरेंट होने के कारण एक चीज डिफरेंट हो गई इस बॉडी के लिए, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
इसलिए उसको घुमाने में दिक्कत आ रही है, मतलब दोनों में दिक्कत अलग अलग आएगी। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैथमेटिकली कैसे आएगा, क्या इसका रिलेशन होता है, किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, वो भी समझ लेते हैं, बड़े आसानी से समझेंगे। ठीक है, तो ये तुम्हें बेसिक मतलब पता चला कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस चीज के बारे में बातचीत करने वाले है ना, जहां पे वो मास होता है जैसे वहां पे घुमाने में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ठीक, ध्यान देना। तो मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैथमेटिकल कैसे निकालते हैं उसका मैं एग्जांपल ले लेता हूं। मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी निकालने की कोशिश करूंगा। एक बॉडी है मेरे पास, मान लो कि ये बॉडी है, ठीक है, तो ये एक्सिस के अराउंड, हा एक्सिस बड़ी धुंधली बन गई, हे भगवान भगवान एक्सिस ढंग से बनवा। चलो कोई ना, ये एक्सिस चला रहे हो है ना, ये ओमेगा से, कांस्टेंट ओमेगा से तुम इस एक्सिस के अराउंड इस पूरी बॉडी को घुमा रहे हो, 3D बॉडी है ये मान लो। तो तुमने इसके काइनेटिक एनर्जी लिखनी है। काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी की कैसे लिखते हैं वो सुनो, पहले तो इस बॉडी के टुकड़े करो, M1, M2, M3, M4, अप टू बहुत सारे M, जब तक ये पूरी बॉडी नहीं कवर अप हो जाती। मान लो कि ये रहा अपना M1, यहां पे ले लो M2, यहां पे M3, बहुत सारे मास है ना, इसकी दूरी R1, इसकी दूरी R2, इसकी दूरी R3, ठीक है, बहुत सारे मास लेके सारी बॉडी कवर कर ली। इसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखी जाएगी, टोटल बॉडी काइनेटिक एनर्जी हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर एंड सो ऑन। सारे मासेस की काइनेटिक एनर्जी लिखोगे, उनको सम करोगे, तब तुम्हारी बॉडी की टोटल काइनेटिक एनर्जी आएगी। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से काइनेटिक एनर्जी नहीं लिखते, ये लास्ट लेक्चर में बातचीत कर चुका हूं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज नॉट इक्वल टू हाफ टोटल मास इनटू VCOM स्क्वायर, नहीं, ये नहीं होता। सारे पॉइंट्स की काइनेटिक एनर्जी को सम अप करके पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। ठीक, V1 क्या है, पहले वाले मास की वेलोसिटी, देखो क्या आएगी, ओमेगा इंटू R1 आएगी। सिमिलरली V2 आएगी ओमेगा R2, V3 आएगी ओमेगा R3। चमका, पुट करो, तो ये आया हाफ M1 ओमेगा स्क्वायर R1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 ओमेगा स्क्वायर R2 स्क्वायर सो ऑन, सबका सम। ओके, इज हाफ M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस 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 इनटू ओमेगा स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी तुम्हारे सिस्टम की बनी। ये जो चीज है ना, यही कहलाती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर ये ज्यादा होगा, सोच के देखो, अगर ये ज्यादा हुआ तो तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो इसको घुमाने में तुम्हारा ज्यादा जोर लगा होगा, हाँ कि ना। तो जहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा आया, इसका मतलब सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब तुमने ज्यादा वर्क डन किया होगा काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने के लिए। समझ में आई कुछ कुछ बात, थोड़ी 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 क्लियर होती जाएगी। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंबल कैपिटल आई होता है, तो मैंने लिख दिया आई इज वॉट, वेरी सिंपल, सिग्मा MIRI स्क्वायर, वेर आई इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, जितने भी तुम्हारे मासेस हैं सिस्टम के वो सारे कवर अप कर दिए। मास की क्या दूरी है, कहां से, उस एक्सिस से जिसके अराउंड तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हो। एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आई, क्योंकि तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस के अराउंड डिफाइन होता है। सो दिस इज MIRI स्क्वायर, RI इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम दैट एक्सिस। चमका, पक्का, वेरी नाइस। ये सिंपल डेफिनेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज सिग्मा MIRI स्क्वायर। कहानी खत्म। ये देखो मैथमेटिकली हमने बताया, इसकी ऐसे यूनिट क्या बनेगी भाई, गधा भी बता देगा सर, ये तो अरे गधा बता देगा, हम क्यों नहीं बता पा रहे। ऐसी यूनिट क्या बनेगी, मास का kg, आर का मीटर स्क्वायर। डायमेंशंस क्या बनेंगी, देखो ध्यान से,
डायमेंशंस एम एल स्क्वायर। अरे हाँ कि ना, बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया, मजा आया। ओके, और क्या इंपॉर्टेंट बात है भाई, क्या इंपॉर्टेंट बात है? आई डिपेंड्स ऑन मास एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, कि भाई तुम्हारा मास कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इस चीज पे डिपेंड करता है। अगर तुम्हारा मास एक्सिस से बहुत दूर डिस्ट्रीब्यूट है तो उसका आर बड़ा होगा, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा आएगा। अगर तुम्हारा मास एक्सिस के बहुत करीब है तो आर छोटा आएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटा आएगा। इसलिए मास और उसके डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अरे चमकी बात, पक्का, वेरी नाइस। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में चर्चा करता हूं, ये मिटा दो, छाप लिया, ठीक ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ सकते हैं इसके बारे में? इट इज डिफाइंड अबाउट एन एक्सिस, ये एक्सिस के अराउंड डिफाइन किया जाता है। इसलिए एक्सिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई तुम किसके अराउंड डिफाइन कर रहे हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक एग्जांपल सा लेके बातचीत करता हूं। मान लो कि तुम्हारे पास एक बॉडी है, मान लो सिलेंडर मान लेते हैं ना, सिलेंडर मान लेते हैं, ये एक्सिस है, दो सिलेंडर ले रहे हैं, दो बिल्कुल बिल्कुल सेम डिटो कॉपी पे सिलेंडर नजर आ रहे हैं अपने को, लेकिन एक सॉलिड है और एक हॉलो है, ठीक है। मान लिया कि एक सॉलिड पूरा भरा हुआ है, ये बस हॉलो है, ये बाहर बाहर पे है बस, ठीक है। मास दोनों के सेम है। अब तुम कह दोगे सर मास कैसे सेम आ गए, जो सॉलिड वाला वो ज्यादा भारी होगा। अरे भाई साहब, हो सकता है मटीरियल अलग हो, ये लकड़ी का बना हो पूरा, ये लोहे का बना हो पूरा, तो लोहे का हॉलो सिलेंडर का मास लकड़ी के पूरे भरे सिलेंडर के बराबर तो हो ही सकता है, हाँ कि ना यार? तो हो सकता है कि उनके मतलब मटेरियल डिफरेंट हो, मास सेम है या गिवन है। मैंने कहा मेरा क्वेश्चन, मेरे सिलेंडर, मैंने कहा है कि मास सेम है, तो तुम मानो, जो क्वेश्चन वाला बोलेगा उसको सत्या मान के तो क्वेश्चन करोगे? ऐसे ना क्वेश्चन को क्वेश्चन कर दे, भाई तुमने मास सेम कैसे ले लिया क्वेश्चन वाले? ऐसे नहीं होता ना, क्वेश्चन ने जो बोल दिया वो सत्य है, दुनिया का परमा सत्य वही है, ठीक है। तो मास दोनों के सेम है, ये सॉलिड है, ये हॉलो है, किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा आएगा ये सोचो। डायमेंशन वेशन सब सेम, किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा आएगा? सोचो सोचो सोचो, किसका ज्यादा आया? हॉलो वाले का ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब इसका सारे का सारा मास आर दूरी पर है, हाँ कि ना? इसका सारा मास आर पे नहीं है, उससे कम पे भी है, हे भगवान। अरे इसका m का m मास r दूरी पर है, इसके m का बहुत सारा पोर्शन r से कम पे है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आएगा, चमका पक्का। ऑल राइट, तो वी व्हाट वी कैन राइट फॉर सेम मास I इज मोर फॉर A hollow body as compared to a solid body. समझ में आया? पक्का, वेरी नाइस। इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया छाप दो, मिटा दो। चौवां क्वेश्चन मैं करा नहीं रहा हूं, मैं मुद्दे की बात पे आता हूं, जो मुझे सिखाना है उस पर बातचीत करता हूं। मान लो कि अपने पास दो पॉइंट साइज मास है, एक का मास है स्मॉल कैपिटल एम, एक का मास स्मॉल एम, ठीक है। ओके, इनके बीच की दूरी एल है। ऑलराइट, बहुत बढ़िया। मैंने एक एक्सिस ले ली जो यहां से एक्स दूरी पर है, ठीक है। तो इसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, आई फाइंड आउट करो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आई फाइंड आउट करो। तो ये वाली दूरी होगी एल माइनस एक्स, तो मैंने कहा कि I इज इक्वल टू ये वाला मास x दूरी पे है m इंटू एक्स स्क्वायर, वो वाला मास l माइनस x दूरी पे है, तो l माइनस x का होल स्क्वायर। वेरी सिंपल, कहानी खत्म। ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पर ये मेरा क्वेश्चन नहीं है। मेरा क्वेश्चन है फाइंड x
सच दैट आई इज मिनिमम, आई इज मिनिमम, मिनिमम होना चाहिए एक्स की वैल्यू, बताओ। ओके पहले तो आई लिख लेते हैं एक्सपेंड करके, एम एक्स स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर प्लस एम एक्स स्क्वायर माइनस टू एम एल एक्स, ठीक है। मिनिमम कैसे निकालते हैं, जो भी तुम्हारा वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके जीरो कर दो। क्यों करते हैं तुम्हें पता होगा, मैथमेटिकल अगर कोई भी तुम्हारे पास कुछ भी है तो मिनिमम पे जो भी तुम्हारी स्लोप होगी वो जीरो होगी, इसलिए ऐसा करते हैं। कई गधे ये करते हैं, उनको पता नहीं कि कैसे क्यों करते हैं। यहाँ पे आता है, फिर तो तुम ये भी बोल रहे होगे सर मैक्सिमम में भी तो यही आता है। बेटा उसमें फिर डबल डिफरेंशिएशन करके देखते हैं, अगर वो पॉजिटिव आया तो मिनिमा आता है, अगर वो नेगेटिव आया तो मैक्सिमा आता है। बड़ी बातें मैथ्स वाले सिखाएंगे तुम्हें। चलो डिफरेंश करो, जीरो के बराबर पुट करो, एक्स के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन करना है, टू एम एक्स प्लस जीरो प्लस टू एम एक्स माइनस टू एम एल इज इक्वल टू जीरो, टू 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 एक्स इज इक्वल टू एम एल डिवाइड बाई एम प्लस एम। ये आया, आया कि नहीं आया, वेरी गुड, बहुत शानदार, ठीक है भूल जाओ इसको, अरे भूल जाओ अभी के लिए। सेम डायग्राम, इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करो कहां पे लाई करेगा, सेंटर ऑफ मास निकालना लास्ट से लास्ट क्लास में सिखा रखा है, पता करो। इसको 0.0 पे मान लो, इसको L को मैं 0 पे मान लो, बताओ सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करेगा। तुम्हारा सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आएगा एम एल डिवाइड बाय एम प्लस एम, करके देख लो, मुझे कॉन्फिडेंस है, मुझे कॉन्फिडेंस है कि यही आएगा, तुम करके देख लो। सेम आंसर, सेम आंसर, ध्यान से देखो, सेंटर ऑफ मास ये एक्सिस, इसका मतलब तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्वेश्चन कहां गया, ये रहा, तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम उस एक्सिस के अराउंड आएगा जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही हो। मैथमेटिकली प्रूव करा कि तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट मिनिमम आएगा जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही हो। अरे हां कि ना, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, क्या आई इज मिनिमम अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस विच पासिस थ्रू, विच पासिस थ्रू सेंटर ऑफ मास। समझ में आया, पक्का छाप दो। पॉइंट मासेस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का एक मैं सिंपल सा क्वेश्चन करा देता हूं, उसके बाद हम लोग बड़ी बॉडीज की चर्चा करेंगे, कंटिन्यूस बॉडीज की चर्चा करेंगे। मान लो कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहां पे 1 kg, 2 kg, 3 kg और 4 kg, ये दूरी ए है और ये दूरी बी है, ठीक है, ये दूरी भी बी है। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस एंड अबाउट वाई एक्सिस, तो आई एक्स कितना आएगा, एक्स के अराउंड देखना है। अच्छा तो पहले वाले का तो जीरो आ गया क्योंकि ये तो उसी एक्सिस पर लाई कर रहा है, दूसरे वाले का भी जीरो आ गया, 3 kg वाले का 3 × a² प्लस 4 × a² 7a² आ गया, सही बात है। सिमिलरली आई वाई बता दो, वाई के अराउंड 4 वाले का 0, 1 वाले का 0, 3 वाले का आएगा, 2 वाले का आएगा, दूरी b है 5b², है ना घनश्याम, तो तुम मतलब ठीक है छोड़ो नहीं बोलना। हो गया ना, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मुद्दे की बात यह है कि पॉइंट मास तो निकाल लेंगे, कंटिन्यूस बॉडीज कैसे निकालेंगे वो लिखो। मुद्दे की बात, आई ऑफ कंटिन्यूस बॉडीज, कंटिन्यूस बॉडीज, जैसे मान लो मेरे पास एक रॉड है, रॉड है ना, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अराउंड, मास एम लेंथ एल, इसके बारे में क्या करूं, इसके मासेस देखो, यहां पे भी मास है, यहां पे भी मास है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, हर एक पॉइंट मास डिफरेंट डिफरेंट दूरी पे है, तो क्या करूं, तो भाई हर एक पॉइंट मास को लेके उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखो एक्सिस के अराउंड, यही करना पड़ेगा।
अच्छा, फिर क्या करना है? फिर एम आई आर आई स्क्वायर प्लस एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर प्लस 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 करते जाओ, इन्फानाइट पॉइंट आएंगे। अच्छा सर, इन्फानाइट आएंगे, उनका सम करने का मैथमेटिक्स का एक टूल है जिसका नाम इंटीग्रेशन है। अरे हाँ कि ना, तुम एक एलिमेंट लो। सबसे पहले क्या लेते हैं? एलिमेंट। ओके, एक्सिस से एक्स दूरी पे जाके लीनियर में डी एक्स थिकनेस का एक एलिमेंट ले लेते हैं। अब इस एलिमेंट का छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, इसका मास ले लो डीएम, छोटा सा मास आएगा, उसकी दूरी कुछ एक्स स्क्वायर होगी, ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा इस एक्सिस के अराउंड, और टोटल निकालने के लिए सम कर दो, तो ये तुम्हारा नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। सो दिस इज नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कंटिन्यूअस बॉडीज, इस तरीके से लिखा जाता है। छोटा सा मास एलिमेंट का, उसकी दूरी, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दिया, इंटीग्रेट कर दिया, तो सारों का लिखा गया, सम हो गया। हाँ कि ना? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलो भाई लिखते हैं, डीएम कितना है? इसका छोटा सा मास बनेगा मास पर यूनिट लेंथ इनटू द लेंथ ऑफ एलिमेंट। बिल्कुल सही बात है सर। एक्स स्क्वायर, अच्छा इसकी दूरी तो एक्स है, तो एक्स स्क्वायर कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। अच्छा, एक्स की वैल्यू लेफ्ट एंड पे एक्स की वैल्यू जीरो है, राइट एंड पे एक्स की वैल्यू पूरी लेंथ आ गई एल, तो जीरो से ले एल तक इंटीग्रेट कर दो। और अब बहुत आसान, एम बाई एल एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई थ्री, जीरो से लेके एल तक इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई थ्री इज द आंसर। कहानी खत्म। समझ में आया? एम एल स्क्वायर बाई थ्री आ गया भाई साहब। अरे नहीं, चमका चमका पक्का। वेरी नाइस, एक क्वेश्चन खुद से करो, देता हूं अभी। सेंट्रल एक्सिस के राउंड निकालो। वैसे तुम कोई भी एक्सिस के राउंड निकाल सकते हो अगर तुम्हें इंटीग्रेशन में कॉन्फिडेंस है, होना चाहिए यार, बहुत क्वेश्चन करवा दिए मैंने इंटीग्रेशन के। सेंट्रल एक्सिस के राउंड निकालो, ये एक्सिस के राउंड। अरे बहुत आसान है, ऐसे करो एक्स पे जाके एक डी एक्स का एलिमेंट ले लो, वही मास और लेंथ, ठीक है, छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई इज इक्वल टू डी एम एम बाई एल इन टू डी एक्स, ये अपना छोटा सा मास बन गया, उसकी दूरी कितनी है एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन गया तुम्हारा छोटा सा, टोटल ये इंटीग्रेट कर दो। कहानी है एक्स की लिमिट, लेफ्ट एंड में जाओगे, क्या तुम्हें एक्स के लिए लेफ्ट में जाना पड़ेगा? लेकिन वो नेगेटिव में लिखा जाएगा क्योंकि तुमने राइट में एक्स पॉजिटिव माना है, तो लेफ्ट में एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस एल बाई टू, और राइट एंड पे प्लस एल बाई टू। क्या तुम्हारी पूरी रॉड कवर अप हो चुकी है? बिल्कुल हो चुकी है, तो आई कितना आएगा एम बाई एल बाहर निकालो, एक्स क्यूब बाई थ्री लिखो और लिमिट डालो, कहां माइनस एल बाई टू से लेके एल बाई टू तक। बहुत बढ़िया, एम बाय थ्री एल करो भाई पुट, ये आ गया एल क्यूब बाय एट माइनस माइनस एल क्यूब बाय एट। वाह भाई वाह, क्या बन रहा है ये, एम बाय थ्री एल इंटू एल क्यूब बाय फोर, हो एम एल स्क्वायर बाय ट्वेल्व। अरे चमक गया, एम एल स्क्वायर बाय ट्वेल्व आ गया, सेंट्रल एक्सिस के अराउंड एम एल स्क्वायर बाय ट्वेल्व, एंड के अराउंड एम एल स्क्वायर बाय थ्री। समझ में आई बातें? और भी ले लेते हैं बहुत सारे एग्जांपल, ये चमका, ठीक है, वेरी नाइस। रिंग लो, रिंग 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 रिंगा रिंग रिंग रिंगा 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 रिंग रिंग रिंगा। मास एम रेडियस आर, इस एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ कितना आया। बहुत सिंपली से बता सकते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। इसका हर एक पॉइंट आर दूरी पर एक्सिस से, ये एक्सिस है, ये एक्सिस पास कर रही है इसे, आर दूरी पर है, हर एक पॉइंट आर दूरी पर है, मास इनटू आर स्क्वायर। कहानी खत्म, सारा मास ही आर दूरी पर है भाई, एम आर स्क्वायर आएगा। अरे हाँ कि ना यार, नहीं तो छोटे छोटे टुकड़े तोड़ लो, ले लो डीएम, इसका मोमेंट लिखा जाएगा डीएम इंटू आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन कर दो, टोटल डीएम है जीरो से लेके एम तक, कहानी खत्म हो गई, एम आर स्क्वायर आ गया। अरे चमका क्या, पक्का, वेरी नाइस। डिस्क करो, डिस्क सेम एम मास आर रेडियस, ओ इसका सारा मास आर दूरी पर नहीं है, उससे कम पर भी, इसमें क्या करें, एलिमेंट ले लो, क्या करो, एलिमेंट ले लो आर दूरी पर जाके, ऐसे में क्या, डिस्क में क्या एलिमेंट लेंगे, सोचो सोचो सोचो, रिंग लेंगे, रिंग। अरे हाँ कि ना,
आर दूरी पर जाके डी आर थिकनेस की रिंग ले लो। रिंग का छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जाएगा उसका डीएम इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। ये डीएम कैसे लिखेंगे? अच्छा, ये तो प्लेट है, डिस्क है, इसका एरिया होगा, तो इसका मास पर यूनिट एरिया ये डिफाइन हो गया, और रिंग का एरिया मल्टीप्लाई कर दो, रिंग का मास आ जाएगा। रिंग का एरिया कितना है? रिंग इज अ वेरी स्मॉल स्ट्रिप जिसकी लंबाई 2 पाई स्मॉल आर होगी और जिसकी विड्थ डी आर होगी, तो इसका एरिया आएगा 2 पाई आर डी आर। ये तुम्हें आना चाहिए भाई, आता होगा तुम्हें, मैं तो यही उम्मीद कर रहा हूं। तो ये छोटा सा मास डीएम कितना आ गया? एम 2m डिवाइड बाय आर स्क्वायर इंटू आर डी आर, पुट कर दो तो I विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन dm 2m डिवाइड बाय आर स्क्वायर आर डी आर इंटू आर स्क्वायर। ओके, 2m बाय आर स्क्वायर तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन में बच गया आर क्यूब डी आर। अच्छा, आर की वैल्यू 0 से लेके r तक लिमिट लगा दी। सर बहुत तेज जा रहा है, अरे सन्नाटो धीरे करके देख लो, तेज जा रहा है तो ऑप्शन तो तुम्हारे हाथ में ना, धीरे करके देखना। ओ सर ये तो पता ही नहीं था, टेक्निकलिटी। आर क्यूब का इंटीग्रेशन आर 4/4, पुट करके देख लेना, आर 4/4 बन जाएगा भाई साहब। एम आर स्क्वायर बाय 2, अरे डिस्क का एम आर स्क्वायर बाय 2 आ गया, खत्म हो गया। अरे चमका गया, पक्का, वेरी नाइस, मैंने प्रूव कर दिया 3-4। अब बाकियों के मैं लिखवा रहा हूं, तुम खुद से प्रूव कर देना। मैं बता दूंगा कि इसमें एलिमेंट कैसा लेना होगा तुम्हें, कईयों को चमक जाएगा, कईयों को मैं बता देता हूं, बाकी मैं लिखवा देता हूं क्या क्या आने वाले हैं, मिटा दो। ठीक, ओके, तो लेते हैं हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर, एक सिलेंडर है, वो खोखला है ना, ऐसे, इसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, मास m, रेडियस r, हॉलो सिलेंडर। सोचो उसका सारा मास एक्सिस से क्या दूरी पर है, सोचो। अच्छा, इस सिलेंडर को कंपैक्ट कर दो, क्या बना? रिंग बनी। अरे हाँ कि ना यार, वैसे भी सोच लो इसका सारा मास r दूरी पर ही तो पड़ा है, अंदर तो कुछ है ही नहीं, सारा बाहर है, r दूरी पर पड़ा है। सिंपल यार, एम आर स्क्वायर, कंपैक्ट करो, रिंग बनेगी। सर चमका। अच्छा, सॉलिड सिलेंडर भी समझ में आ गया, फिर तो सॉलिड सिलेंडर करो कंपैक्ट, क्या बनेगा? सर डिस्क बनेगी, डिस्क का तो पहले ही निकाल चुके हैं। और हाँ कि ना यार, सॉलिड सिलेंडर क्या बनेगा? एम आर स्क्वायर बाय 2, बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आया। आगे बढ़ते हैं, सॉलिड स्फीयर। अरे भाई ये तो अंडा बन गया, स्फीयर बनाना था। सॉलिड स्फीयर इस एक्सिस के अराउंड, ये भी बात करते हैं, फिर ले लो हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर वही नेचुरल एक्सिस के अराउंड, ठीक है। होलोस्फीयर में एलिमेंट क्या लेंगे? तरीका बता देता हूं तुम्हें, थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट, ये तुम्हें एक रिंग नजर आएगी। जिनको नजर आ गई बहुत बढ़िया, जिनको नहीं आई भगवान तुम्हारा भला करे, रिंग नजर आएगी। इस रिंग का छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलना पड़ेगा, फिर तुम इंटीग्रेट करो थीटा की लिमिट नीचे -π/2 से लेके π/2 तक जाएगी, और करके देख लेना इसका आंसर आएगा, हॉलो है ना, 2/3 एम आर स्क्वायर आएगा, ठीक है। उसके बाद सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर को करने के दो तरीके हैं, एक तो स्मॉल r दूरी पे जाके, क्या स्मॉल r दूरी पे जाके डी आर थिकनेस का होलोस्फीयर ले सकते हो। एक और तरीका है, वाई पे जाके डी वाई थिकनेस की डिस्क ले सकते हो और इंटीग्रेट करो। दो तरीके हैं, आंसर लिख रहा हूं मैं, 2 बस सॉलिड है
अरे सॉलिड का कम आएगा, 2/5 mr² आएगा, करके तुम देख लेना, मैं ना कर रहा। ठीक है, तरीके मैंने बता दिए, तुम कर सकते हो बड़े आराम से। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही होते हैं यार, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, रॉड होती है उसके सेंटर पे, उसके एंड वाले पॉइंट पे, करना तुम्हें आना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज द होल स्टोरी अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कि भाई ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले जाते हैं, और कोई इसमें बड़ी कोई लंबी चौड़ी कहानी थोड़ी ना है। मेनली तुम्हें ये वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए। ओके, एक हम लोग प्लेट ले लेते हैं, प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट, उसका कितना आएगा? देखो ये रेक्टेंगुलर प्लेट है, इस एक्सिस के अराउंड बता दो, ये साइड बी ले लो, ये साइड ए ले लो, मास इसका एम ले लो, क्या बनेगा? अरे ये काइंड ऑफ रॉड ही तो है, इसको इसको पिचका लो, कोई भी मास की दूरी एक्सिस से चेंज नहीं होगी अगर पिचका लोगे, ये तुम सोचो क्यों नहीं हो रही। अरे भाई साहब तुमने ऐसे ऐसे थोड़ी ना किया, तुमने तो ऐसे किया, एक्सिस से दूरी किसी भी पॉइंट की चेंज, मान लो ये वाला पॉइंट है, अगर तुमने पिचका के सारे सारे पॉइंट्स को इस लाइन पे ले आओ, तुम बहुत पिचका लो, रॉड बना लो, तो भाई साहब तुम्हारा ये वाला पॉइंट यहीं तो आएगा, उसकी एक्सिस से दूरी चेंज नहीं हुई, तो ये रॉड ही तो बनेगी जिसकी लेंथ होगी ए, मास होगा एम, तो भाई इसका आंसर क्या आएगा? ML² / 3। अरे हाँ कि ना, चमका। सिमिलरली इस एक्सिस के अराउंड कितना आएगा? एम, सॉरी यहां पे एल क्या होगा? ए। ध्यान देना यहां पे एल ए होगा, ये तुम्हें देखना पड़ेगा, कहीं बी मत लिख देना, लंबाई कौन सी है देखना पड़ेगा। सिमिलरली इस एक्सिस के अराउंड क्या होगा? अब तुम्हारी लंबाई जो है ना वो बी आएगी। सर बी कैसे आई? ये तुम सोच लो भाई साहब, बी आएगी। अरे हाँ कि ना, इसको अब इस एक्सिस के अराउंड है ना, तो इसको ऐसे पिचका लो, इसको ऐसे पिचका के एक रॉड बना लो, छोटी सी रॉड बनेगी, उसकी लंबाई क्या होगी? बी। चमक्या? पक्का? वेरी नाइस। सिमिलरली तुम इस एक्सिस के अराउंड भी बता सकते हो, ML² / 3। अरे हाँ कि ना, समझ में आया। सो दे तुम्हारी प्लेट हो गई, बस यही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो यार कुछ भी आ जाए, कोई भी मैथमेटिकल कुछ भी बना के दे दो, इंटीग्रेशन करना तुम्हें आना चाहिए। एलिमेंट लो, छोटे से एलिमेंट का मोमेंट इनर्शिया लिखो, इंटीग्रेट करो, लिमिट लगाओ, सारे क्या आ जाएंगे, वेरी सिंपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ में आई बात? पक्का। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लेकर दो थ्योरम्स हैं जो कि 11वीं के सिलेबस से इस साल मतलब 2020 में हटा दिए हैं उन्होंने, लेकिन उनके बिना रोटेशन समझना आगे इम्पॉसिबल है, तो क्यों हटाई भगवान जाने, किस लिए हटाई वही जाने जिन्होंने हटाई, पर उनके बिना जिंदगी आगे चलने वाली नहीं है, तो वो पढ़नी पड़ेगी, वो पढ़ते हैं। मिटा दूं इसको। एक पहली थ्योरम होती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये कहती है कि मान लो तुम्हारे पास एक बॉडी है, यहां पे इसका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, तुम इस एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हो, लेकिन इसके पैरेलल एक एक्सिस है जो कि सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, ये पैरेलल है, इनके बीच की दूरी है डी मान लेते हैं, और इसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आईसी, ये भी कह दिया हमने, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि आईसी मिनिमम होगा, बाकी कोई भी एक्सिस होगी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईसी से ज्यादा ही आएगा। यहां पे ये पता चले कितना ज्यादा आएगा, आईसी से कितना ज्यादा आएगा, आई विल बी इक्वल टू आईसी प्लस ML² वेयर डी इज द दूरी बिटवीन दीज टू पैरेलल एक्सिस। ये पैरेलल होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि ये आईसी इसके अराउंड हो और तुम ये वाला आई निकालने के लिए ये थ्योरम लगा रहे हो ना। ठीक है, एम क्या है? टोटल मास ऑफ द सिस्टम। इसका प्रूफ कभी फिर दूंगा। अरे सर को आता ही नहीं होगा इसलिए नहीं बता रहे होंगे, आता है सन्नाटो, लेकिन प्रूफ भयंकर है इसका, कभी दूंगा फ्री टाइम में। ठीक है, हाँ, जो जिन बच्चों को मैं पढ़ाता हूं उनको कभी ना कभी प्रूफ दूंगा मैं इसका, जब मुझे लगेगा कि हाँ तुम प्रूफ लेने के काबिल बन गए हो। अच्छा सर हम नाकाबिल हैं? नाकाबिल नहीं हो, लेकिन जब मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ तुम्हें इसका प्रूफ देना चाहिए, मैं दूंगा। ठीक है, अभी नहीं दे रहा, समझना इस बात को कि I इज इक्वल टू आई सी प्लस ML². चमक गया?
एक प्रूफ कर लेते हैं इसी थ्योरम के बेसिस पर। तो भाई साहब ये रॉड है, इसके राउंड होता है एम एल स्क्वायर बाय 12। रॉड अनसिमेट्रिक लग रही है, लेफ्ट साइड से बड़ा कर दो, है ना। तो इसके राउंड निकाल लो, ये एल बाय 2 होता है, वेरी सिंपल। आई विल बी इक्वल टू आई सी प्लस एम इंटू एल बाय 2 का होल स्क्वायर। ये बन गया एम एल स्क्वायर बाय 3। सर आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग है? नहीं, मुझे कॉन्फिडेंस है क्योंकि इसके राउंड एम एल स्क्वायर बाय 3 आएगा, तो इसको कैलकुलेट करोगे एम एल स्क्वायर बाय 3 ही आएगा, मुझे कॉन्फिडेंस है ना। मैंने इसको थोड़ा ना सॉल्व करा है। अरे चमक गया, कुछ भी निकाल लो यार, जो भी। एग्जाम्पल मान लो कि भाई ये तुम्हारा सॉलिड स्फीयर है, ये बताओ कितना आएगा टेंजेंट। अच्छा इसके राउंड तो सर मेरे को पता है, इसके राउंड आता है एम आर स्क्वायर, सॉलिड स्फीयर है ना, सॉलिड स्फीयर इंटू 2/5 ही आता है। अच्छा इनके बीच की दूरी आर है सर, आई बताना है, सेंटर के राउंड 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, खत्म होगी सर कहानी। समझ गए, बस पैरल होनी चाहिए एक्सिस, उनके बीच की दूरी पता होनी चाहिए। इसके सवाल दे दूंगा तुम्हें असाइनमेंट में, कर लेना। सिंपल सी थ्योरम है यार, और क्या बताऊं इसमें। डिपके लेते रहो, करोड़ों इन्फिनाइट बॉडीज लेते रहो, करते रहो उनका, लगाते रहो पैरेलल। मेरे को तो थोड़ा ना ये काम है, तुमने करना तुम करो। सेकंड थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ओके बहुत बढ़िया, मजा आया। इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर 2D और प्लेनर बॉडीज, सिर्फ 2D और प्लेनर बॉडीज के लिए एप्लीकेबल है, 3D बॉडीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है, एक एग्जाम्पल के तहत आपको बता दूंगा। क्या कहती है थ्योरम, मान लो कि ये तुम्हारी बॉडी है प्लेनर, तुम्हारा इस एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया IX है, इसके अराउंड IY है और इसके अराउंड IZ है। IX प्लेन में, IY प्लेन में, IZ प्लेन के परपेंडिकुलर। तो जो IZ होगा ना, वो IY प्लस IX होगा। इसका प्रूफ बहुत सिंपल सा है, ठीक है, कर सकते हो यार तुम, ले लेना एक कोई पॉइंट मास ले लो यहां पे, है ना। ये मास ले लिया हमने, ये दूरी है Y, ये दूरी है X, ठीक है, मान लो ये दूरी है Y, ये दूरी है X और ये दूरी को Z मान लो। अब करके देखो यार, खुद से करके देखो। IX लिखा जाएगा इस पॉइंट का M1 इंटू Y स्क्वायर, सिमिलरली बहुत सारे पॉइंट M1Y1 स्क्वायर प्लस M2Y2 स्क्वायर, बहुत सारा। सिमिलरली IY लिखा जाएगा M1X1 स्क्वायर, M2X2 स्क्वायर से, बहुत। उन सबको ऐड कर दो तो तुम्हारा M1X1 स्क्वायर प्लस M1Y1 स्क्वायर बन जाएगा M1Z1 स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम, Z स्क्वायर इज इक्वल टू X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर, तो M1Z1 स्क्वायर बन गया। तो ऐसे बहुत सारे M2Z2 स्क्वायर, M3Z3 स्क्वायर, वो तो ये बन जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये प्रूफ है उसका। मैंने क्या बताया कि तुम सोचो, पीछे करो एक मिनट और सोचो मैंने क्या बताया, कॉपी पे लिख के देखो। लिखना तुम्हें है सन्नाटो, लिखना तुम्हें है सिलेक्शन, तुम्हें चाहिए, मुझे थोड़ा ना चाहिए। मेरी तो हो गई, मैं तो निकल आया वहां से, मेरे को तो जितना पढ़ना था मैंने पढ़ लिया, नहीं और भी पढ़ना है। आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, एक बंदा जिंदगी भर स्टूडेंट रहता है, वी कैन नेवर बी अ टीचर, वी आर ऑल्सो स्टूडेंट, वी आर ऑल्सो लर्निंग। जितना थोड़ा बहुत हमें ज्ञान है बस वो थोड़ा सा बता देते हैं, बाकी तो हम भी ज्ञान ले ही रहे हैं, जिंदगी भर हम भी स्टूडेंट ही रहेंगे, ठीक है। बट तुम कागज काला करो, पेन चलाओ और सोचो कि ये मैंने क्या बताया था और ये कैसे आया, ठीक है। ओनली फॉर 2D और प्लेनर बॉडीज, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये, समझ में आई बात। इसका एग्जाम्पल करके दिखाता हूं, अभी चमक जाएगा, मिटा दूं इसको। ऑलराइट, मान लो वी आर हैविंग अ रिंग, ठीक है, ये रिंग है, ये आई बताओ कितना आएगा। अच्छा ये आई बताना है, ओके मुझे ये वाला आई तो पता है कि ये एम आर स्क्वायर आता है ना रिंग के लिए,
एम और आर, तो एम आर स्क्वायर आता है। अच्छा, ये आई जेड ले लो, इसको आई मान लो, तो भाई साहब ये भी तो आई ही होगा ना, सिमेट्रिक एक्सिस है, ये ले लो चाहिए आई होगा। ओके, तो दिस आई प्लस आई शुड बिकम एम आर स्क्वायर, क्योंकि इसके राउंड तो एम आर स्क्वायर होता है। आई की वैल्यू बड़े आराम से आ गई, एम आर स्क्वायर बाय टू। समझ में आया? पक्का। सिमिलरली डिस्क के लिए ये एक्सिस के अराउंड कितना आएगा? सोचो। अच्छा, अगर ये आई है तो ये भी आई होगा, इन दोनों को ऐड कर दो तो ये बनना चाहिए, तो 2i बनना चाहिए, कितना? एम आर स्क्वायर बाय 2। तो i की वैल्यू कितनी आई? एम आर स्क्वायर बाय 4। हाँ कि ना? ओके, आगे देखना। हॉलो स्फीयर ये तुम्हें पता है? हाँ, ये भी तुम्हें पता है। अच्छा, ये बताओ ये कितना होता है? सर ix तो बहुत आसानी से पता है, कितना होता है? सर हॉलोस्फीयर है तो 2/3 एम आर स्क्वायर होता है। iy सर वो भी 2/3 एम आर स्क्वायर। अच्छा, तो क्या iz 4/3 एम आर स्क्वायर आ जाएगा? गलत। अरे तीनों एक्सिस सिमेट्रिक हैं, आई एक्सिस भी, आई एक्स भी सिमेट्रिक है, वाई वाली भी सिमेट्रिक है, जेड वाली, तीनों एक जैसी ही हैं, सेंटर से पास करने वाली लॉन्ग द डायमीटर, तीनों एक सी हैं भाई, तीनों के राउंड सेम आएगा, ये 4/3 एम आर स्क्वायर नहीं आएगा आई जेड के राउंड। ये एक्सिस ले लो चाहे ये एक्सिस ले लो, एक ही बात है। इसीलिए ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सॉलिड बॉडीज के लिए, 3D बॉडीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है, 3D बॉडीज के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। ये देखो तुम्हारे सामने एग्जांपल, चमका, पक्का, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। इन दोनों थ्योरम्स को कंबाइन करते हुए मैं एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, उसके बाद हम आज की सभा की समाप्ति करेंगे, ठीक है? दोनों थ्योरम को कंबाइन कर लेते हैं, मिटा दूं। तुम्हारे पास रेक्टेंगुलर प्लेट है, ये बी है, ये ए है, इस एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। प्लेट है ये, प्लेट, ठीक है, मास एम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, बिल्कुल सिमेट्रिक, सेंटर से पास करती हुई जा रही है ए बाय टू से, और बिल्कुल एज पे है, बताओ। अच्छा, तो आई वन बताना पड़ेगा, अरे थोड़ा अलग बन गया यार, आई टू बताना पड़ेगा, और आई वन प्लस आई टू तुम्हें मिल जाएगा। आई वन कितना है? ध्यान से बताना यार, गलत मत करना, एम बी स्क्वायर बाय 3 आएगा। आई टू कितना आएगा? रॉड, एम ए स्क्वायर बाय 12। हाँ कि ना? चमका। अच्छा, तो ये कितना आएगा? आई दोनों को कंबाइन कर लो, कितना बन गया ये? एम बी स्क्वायर बाय 3 प्लस एम ए स्क्वायर बाय 12, ये बनेगा। चमका, एक लास्ट क्वेश्चन और। ये रिंग है, मास एम, रेडियस आर, इस एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो जो कि आर दूरी पर है, सॉरी 2r दूरी पर है, निकालो। इसके लिए तुम्हें यह पता होना चाहिए, लेकिन यह पता होने के लिए तुम्हें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आनी चाहिए। अगर ये आईसी है, आईसी, तो भाई एम आर स्क्वायर बाय 2 आएगा, हमने निकाला था ना अलोंग द डायमीटर, बाय 2 आएगा वो, क्योंकि दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, और दिस तो एम आर स्क्वायर है, तो ये एम आर स्क्वायर बाय 2 आएगा। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम का के इसको यहां से शिफ्ट करो, एम आर स्क्वायर बाय 2 में एम इंटू 2r का होल स्क्वायर ऐड करो तो आई आएगा। सही बोल रहा हूं ना मैं? हां सही बोल रहा हूं मैं। सो दिस विल बी योर आंसर। चमका, पक्का? अरे हां, एक छोटी सी चीज रह गई, बहुत सिंपल लेकिन बहुत ही छोटी सी चीज है।
चमक गया ना। वन थिंग इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन, छोटी सी चीज है बस, बहुत सिंपल सी, रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या कहता है कि भाई ये तुम हर बॉडी के डिफरेंट एक्सिस के लिए डिफाइन कर सकते हो। जैसे मान लो ये बॉडी ले ली मैंने, उसको ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया हमने आई, तो मान लो आई की वैल्यू कुछ कुछ आई आ गई, उसकी वैल्यू इसका मास एम है, कुछ भी बॉडी है ये, आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। रेडियस ऑफ गायरेशन कहता है कि तुम सेम एक्सिस के लिए अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने जाओ तो पूरे मास को, पूरे मास को एक पॉइंट बना के कितनी दूरी पर रखोगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आए। इस पूरे एम मास को हम लोग एक पॉइंट बना के दूरी पर रख लेते हैं इस एक्सिस से, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों केस में सेम हो, तो वहां पे के को रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं। क्यों चीजें इंट्रोड्यूस करी गई, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास फॉर डिफरेंट बॉडीज को कंपैरिजन करने के लिए करी गई है ये चीज इंट्रोड्यूस। जब तुम क्वेश्चंस करोगे इसका समझ में आएगा, के की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस के लिए अलग अलग आएगी, तो तुम्हें यह पता चलेगा कि उस एक्सिस के रिस्पेक्ट में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ब्रॉड है या नैरो डिस्ट्रीब्यूशन है। कैसे, वो पता चलता है अपने को जब हम प्रैक्टिकली किसी बॉडीज को या कोई भी मतलब ऑब्जेक्ट को हम लोग इंडस्ट्री में यूज करना चाहते हैं या कहीं भी प्रैक्टिकली यूज करना चाहते हैं, तो उसके के वैल्यू देख के हम लोग वो चीज लेते हैं कि भाई ये वाला एक्सिस के लिए अच्छा रहेगा या वो वाला एक्सिस के लिए अच्छा रहेगा, उसका के वैल्यू देखा जाता है कि इसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। तो इसलिए रेडियस ऑफ गायरेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे कि मान लो मेरे पास डिस्क है, मतलब डिस्क मान लेता हूं, तो डिस्क का इस एक्सिस के अराउंड कितना रेडियस ऑफ गायरेशन है, तो मैंने इस एक्सिस के अराउंड आई निकाला, उसको एम के स्क्वायर के बराबर कर दिया, क्योंकि इस पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम के स्क्वायर आएगा। अच्छा सर, ये तो एम आर स्क्वायर बाय टू होता है ना, डिस्क ले रहा हूं डिस्क, अच्छा इसको एम के स्क्वायर के बराबर कर दे, तो यहां पे के आएगा आर बाय रूट टू, हां कि ना, यही आएगा आर बाय रूट टू। तो इस एक्सिस के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन हो गया आर बाय रूट टू, मतलब कि तुम अगर एक्सिस से सारे का सारा मास आर बाय रूट टू पे पर रख दोगे तो सेम बात है, हां कि ना यार। हाँ बस ये यही कहना चाहता है, समझ में आई बात। ओके वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई होप तुम्हें इसकी प्रैक्टिकल फीलिंग और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी समझ में आए होंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, कैसे इसको निकाला जाता है फॉर डिफरेंट बॉडीज। आई होप कि तुम्हें समझ में आया होगा। ऑल राइट, सो नीचे असाइनमेंट, इसमें डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन, अपनी प्रैक्टिस करो और ग्रो करो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अच्छी बातें करेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।